डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। यूपी के जनपद महाराजगंज में गन्ना किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे खेत में पड़े गन्ने की चिंता गन्ना किसानों को रुला रही है। यदि जल्द ही गड़ौरा चीनी मिल को नहीं चलवाया गया तो गन्ना किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जब हमारे संवाददाता ने गड़ौरा स्थित बंद जेएचबी सुगर मिल को चालू कराने के संदर्भ में सिसवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम सागर पटेल के प्रतिनिधि जितेंद्र पाल से बात किया तो क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस पे आप क्या कहेंगे? गड़ौरा फैक्ट्री बंद होने से हमारे और हमारे किसानों के सामने संकट है, लेकिन माननीय विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल जी फैक्ट्री को चलाने के लिए अहनिश प्रयास कर रहे हैं। वो लखनऊ हैं, माननीय मुख्यमंत्री केंद्र कमिश्नर से बातचीत हो गई है। पेमेंट को लेकर के 46 करोड़ के सापेक्ष में 23 करोड़ देने की बात हुई थी, 18 करोड़ के समथिंग जवाहर जायसवाल ने पेमेंट कर दिया है। सीरा उसका शीश था, सीरा बिक रहा है और इस महीने के अंत तक माननीय विधायक जी के प्रयास से फैक्ट्री चलने की प्रबल संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी कि फैक्ट्री को चलाया जाए, तो निश्चित ही जनवरी के अंत तक माननीय विधायक जी के प्रयास के द्वारा फैक्ट्री चलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके पहले वाले सीजन में भी जनता को गुमराह किया गया कि आज फैक्ट्री चलेगी, कल फैक्ट्री चलेगी। वकील, यह दूसरा सीजन है, दूसरा सीजन में भी बंद है, इस पे क्या कहेंगे? पहले सीजन में तो चूंकि 2017 में जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रेम सागर जी विधायक हुए, तो जवाहर जायसवाल को लेकर के उन्होंने माननीय गन्ना मंत्री माननीय मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग की थी और उसमें जवाहर जायसवाल ने सशर्त लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था जो 14-15 का बकाया था कि हम उसका पेमेंट कर देंगे और फैक्ट्री चलाने की हमको अनुमति दी जाए। हमारी सरकार ने, प्रशासन ने जवाहर जायसवाल को 17-18 में फैक्ट्री चलाने की अनुमति दिया, जो उन्होंने वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इंस्टॉलमेंट में हम थोड़ा करके पैसा दे देंगे। उन्होंने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। 17-18 में भी उन्होंने 23 करोड़ बाकी लगा दिया और जो 14-15 का था उसमें भी उन्होंने 23 करोड़ बाकी लगा दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहने के बाद उनके वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपनी, उनकी जो क्रेज है, जो क्रेडिट है, वो न तो किसानों में सही है और ना ही सरकार में सही है। तो ये उनकी अकड़ कहिए, चाहे उनकी जो भी माने मोनोपोली रही हो जवाहर जायसवाल की, वो उनकी गलती की वजह से फैक्ट्री नहीं चली, जिसके वजह से हमारे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पैदावार का, उनको उपज का जो वेट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला और माने उनको अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ा। पिछले साल और इस साल शुरू से माननीय विधायक जी प्रयास में रहे कि फैक्ट्री चले। उनके प्रयास से ही जवाहर जायसवाल ने जो 17-18 करोड़ का पेमेंट किया है उसका पूरा श्रेय विधायक जी के आने के कारण विधायक जी को जाता है। और विधायक जी इसलिए लगे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र की, अभी हमने 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर एक गोष्ठी का आयोजन भी मैंने कराया था, जिसमें हजारों किसान आए थे। माननीय विधायक जी को भी हमने बुलाया था और उसमें तय हुआ माननीय विधायक जी ने पूरा अपना जो उनकी शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसका प्रयोग फैक्ट्री चलाने के लिए किया है और कर रहे हैं। हमारे किसानों के सामने संकट है, ये मैं भी मानता हूँ, माननीय विधायक जी भी मानते हैं, हमारे और भी नेता हैं वो लोग भी मानते हैं। किसानों के हित में हमारी सरकार खड़ी हुई है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित ही हमारी सरकार किसानों के, गन्ना किसानों को खास करके आंसू पोंछने का काम करेगी और फैक्ट्री चलेगी, ऐसा विश्वास। किसानों का कहना यह है कि बीजेपी की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार, फिर भी इतना मन बढ़ी जवाहर जायसवाल कर रहे हैं, क्यों? नहीं तो पहली बात तो ये प्रदेश सरकार का मामला है, ना कि केंद्र सरकार का। फैक्ट्री से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, प्रदेश सरकार का विषय है और प्रदेश सरकार हमारी सजग है, सतर्क है, प्रयास कर रही है और सरकार हमारी पूरे प्रदेश में है। गड़ौरा फैक्ट्री को छोड़ दिया जाए
तो हमारी सभी फैक्ट्रियां जो चालू हालत में हैं वो नवंबर से चल रही हैं, पेराई कर रही हैं, भुगतान कर रही हैं, सरकार उसके प्रति वचनबद्ध है। फिलहाल ये जवाहर जायसवाल जो गड़ौरा का मामला है, ये चूंकि गड़ौरा जवाहर जायसवाल की वजह से उलझा हुआ है और हमारी प्रयास हमारी सरकार उसको सुलझाने का प्रयास कर रही है और निश्चित आप विश्वास करिए कि वो फैक्ट्री हमारी जनवरी के अंत तक चल जाएगी, ऐसा प्रयास चल रहा है। किसानों का कहना है कि जवाहर जायसवाल का ही कहना काम हो रहा है, बीजेपी की सरकार दब रही है जवाहर जायसवाल से। नहीं, हमारी सरकार किसी के दबाव में नहीं है। तो फिर काम, सम्मानित जनता ने हमको जनादेश दिया है, हमारी पार्टी को जनादेश दिया है, हमारी सरकार है, सरकार दब के काम नहीं कर रही। और सरकार के प्रेशर की वजह से जवाहर जायसवाल ने पिछले साल 5 करोड़ का पेमेंट नहीं किया। पिछले साल ये बात तय हुआ था कि 5 करोड़ पेमेंट कर दो, फैक्ट्री चला लो। उन्होंने पिछले साल 5 करोड़ का पेमेंट नहीं किया, सरकार के दबाव की वजह से, माननीय विधायक जी के दबाव की वजह से उन्होंने 17-18 करोड़ का पेमेंट किया है और उसके दबाव में ही वो और पेमेंट करके फैक्ट्री चलेगी। सरकार दबाव में काम नहीं कर रही। तो क्या जनता उम्मीद करे आपसे? जनता को मैं अपनी तरफ से और माननीय विधायक जी की तरफ से आश्वासन करता हूं कि हमारी सरकार आपके दुख को बांटने का काम करेगी और जल्दी ही ये खुशखबरी मिलेगी गड़ौरा फैक्ट्री चल जाएगी। क्या इस सीजन में चलने का उम्मीद है? इसी सीजन में नहीं, इसी महीने की मैं बात कर रहा हूं, लगभग इसी जनवरी के अंत तक ये फैक्ट्री चल जाएगी। तो फरवरी में फिर आपसे मिलेंगे सर इस बात पे लेकर के चर्चा। आपका स्वागत है, धन्यवाद। टॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।